Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें एक नंबर लाइन दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें कुछ मार्क दिए हुए हैं जो कि प्लेस हैं, जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, इस तरह कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं। तो हमें पहले के ए में पूछा जा रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो यहाँ पे जो प्लेसेस हैं उनके टेम्परेचर बताने हैं। तो सबसे पहला प्लेस देखते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर बताना है तो ये यहाँ पे है, तो काउंट करते हैं माइनस फाइव से पहले क्या आएगा, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति पे कितना जा रहा है, -8 जा रहा है। तो लाहौल स्पीति का कितना होगा, -8 होगा। इसी तरह आप श्रीनगर का निकालते हैं, श्रीनगर का 0 से पहले है, तो 0 से पहले क्या है, -1 और -2। ये कहाँ कितना प्यारा है, -2 प्यारा है, इसलिए -2 होगा। अब देखते हैं शिमला, शिमला कितना है, 5। ये तो सीधे सीधे लिखा है, तो शिमला का हो जाएगा 5°C। अब देखते हैं ऊटी का, तो ऊटी का कितना होगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 आ रहा है, तो 14°C। इसी तरह बंगलुरु का 22°C होगा। डी में बोला जा रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एबव। इसमें सबसे गर्म और सबसे ठंडे वाले प्लेस का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो सबसे गर्म कौन सा है, बंगलुरु है, और सबसे ठंडा कौन है, लाहौल स्पीति है। आपको नंबर लाइन पे दिखा हुआ जो सबसे राइट साइड है वो सबसे हॉटेस्ट हो गया, और जो सबसे लेफ्ट साइड है वो सबसे कोल्डेस्ट हो गया। उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, यानी इन दोनों को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम हॉटेस्ट को लिखेंगे कितना है, 22 है, और कोल्डेस्ट को लिखेंगे तो कितना है, -8 है, और फिर उसे माइनस करेंगे। तो -22 -8, एक तो माइनस अपने से है, एक माइनस करना है, इसलिए माइनस लगाएंगे, और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सी। सी में बोला जा रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है। तो दोनों का सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर है कितना, लाहौल स्पीति का कितना है, -8 है, और श्रीनगर का कितना है, -2 है, और फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सबसे पहले दोनों का टेम्परेचर लिखे हैं और फिर दोनों को माइनस किए हैं, तो यहाँ पे एक पहले से माइनस है और एक माइनस हमने किया है, दोनों माइनस माइनस कर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 8 क्या हो जाएगा, +6 आएगा, तो ये आंसर होगा। अब देखते हैं बीस का, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस दैन टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। हमसे पूछा जा रहा है कि श्रीनगर और शिमला का मिला के जो टेम्परेचर होगा वो शिमला से कम होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, किसको किसको, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 है, और शिमला का कितना है, 5। तो इसे ऐड करेंगे तो आएगा 3°C, राइट। अब ये जो है 3°C शिमला के टेम्परेचर से कम है क्या, हाँ ऑफकोर्स कम है, तो यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि श्रीनगर और शिमला का जो मिला के टेम्परेचर है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, ये बात क्या है, सही है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 2 निकला। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, इट इज ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या यह जो टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है। तो श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है, -2, और मेरा कितना आया था, -3°C आया था, तो ये नहीं, ये क्या फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि 3°C ज्यादा हो जा रहा है, यानी श्रीनगर और शिमला को मिला के जो टेम्परेचर 3°C बना है वो श्रीनगर से कम नहीं, ज्यादा है, ठीक है, तो ये उल्टा हो जा रहा है। तो इसे लिखें, नो इट इज नॉट लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।